लोकसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी मोदी चौकीदार के नारे को लेकर लोगों के बीच वोट मांग रहे हैं। हम सब चौकीदार बनने के साथ साथ देश के चौकीदार का प्रण भी कार्यकर्ताओं को दिलवाया जा रहा है, ताकि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जा सके। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो कांग्रेस कहती है कि ईवीएम खराब है। राहुल जी, क्या इच्छा है आपकी? भारत के टुकड़े कराने के इरादे हैं क्या? अब देश में आप लगातार हारते चले जा रहे हो, तो क्या देश के टुकड़े कराकर किसी एक टुकड़े पर राज करना चाहोगे? मेरा वो भाषण बार बार देखिए, उन सारी बातों का जवाब आपको इस चुनाव में मिल रहा है। इन्होंने राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म करने की बात कर दी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में बदलाव करने की बात कर दी, जो उस समय राहुल गांधी अपनी कुर्सी के नीचे 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 जा रहा था। मेरा भाषण बढ़ता जा रहा था, नीचे 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 जा रहा था, फिर बाहर ही चला गया। उसका जवाब आज मिल रहा, उस समय नहीं दिया। ये जो टुकड़े पे राज करने की बात है, जैसे बयान कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के आ रहे हैं कि कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री चाहिए, क्या आप चाहते हो कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री, कश्मीर भारत से अलग हो जाए? अरे, हमारे हजारों सैनिकों ने अपने जान दे दी,